हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्लासिक रेट के ऊपर कि हमें एग्जैक्टली न्यू वाला जो क्लासिक रेट है वो कब तक देखने को मिलेगा एंड इसके अंदर हमें क्या कुछ न्यू रिवॉर्ड्स देखने को मिल रहा है। हमारा जो M416 ग्लेशियर आने वाला है वो कब तक आएगा एंड क्या इस वाले क्लासिक रेट में हमें कुछ संभावना है M416 ग्लेशियर स्किन देखने की। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आप लोगों के सारे सवालों का जवाब यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एक एक करके बताती हूँ किस तरीके से आपको क्या कुछ करना है। तो यहाँ पर अगर बात करें एग्जैक्ट डेट की कि कब तक हम लोगों को क्लासिक रेट न्यू वाला देखने को मिलेगा, सो देख सकते हो अभी हमारा जो अभी वाला क्लासिक रेट है वो चल रहा है एंड ये ख़त्म हो जाएगा अभी, और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट वाला क्लासिक रेट है वो आएगा कल यानी कि 15 तारीख को, 15 अगस्त को हम लोगों को जो न्यू वाला क्लासिक रेट है वो देखने को मिलने वाला है और उसके अंदर हमें क्या कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो दिखाती हूँ। बट उससे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं M4 ग्लेशियर की। तो यहाँ देख सकते हो अभी फ़िलहाल के लिए जो हमारी स्किन है वो ऐड हो चुकी है M24 की अपग्रेडेबल वाली। सो हमारा जो नेक्स्ट क्लासिक रेट आएगा क्या उसके अंदर कोई चांसेस है M416 ग्लेशियर के आने के हैं, और वो भी BGMI के अंदर? तो ऐसा लगता तो नहीं है, बट चलिए आप लोगों को एक एक करके पहले लीक्स दिखाती हूँ, फिर बात करेंगे कि M4 ग्लेशियर का क्या होगा, क्या कभी ऐड नहीं होगी या कभी कभी ऐड होगी। तो एक एक करके आपको दिखाती हूँ पहले लीक्स एंड चलिए यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्लासिक रेट आएगा जो कि 15 को आएगा उसका लीक्स देख लेते हैं, और इसका क्रेडिट है लकी मैन YT को। सो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि रिवॉर्ड्स क्या कुछ मिलते हैं, तो देख सकते हो हम लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेंगे कुछ स्किन्स जो कि है यहाँ पे हमारे पिंक कलर के आउटफिट्स। तो देख सकते हो यहाँ पे हम लोग को एक हेडगेयर देखने को मिलता है और जिसका नाम है एम्पलीफायर कवर करके, काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग को एक स्किन देखने को मिलती है M24 की, काफ़ी अमेजिंग लग रही है देखने में, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है। एंड फिर इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको ये सब चाहिए तो ये सब आपको क्रेट से ही मिलेगा, और इसके अलावा यहाँ पर हमें एक हेलमेट की स्किन देखने को मिलती है जो कि काफ़ी बढ़िया है, इसका नाम यहाँ पर AM करके कुछ है। फिर यहाँ पे हम लोगों को एक ब्लड करके यहाँ पे स्किन देखने को मिलती है बैकपैक की। फिर यहाँ पे हम लोगों को एक स्कारल की स्किन देखने को मिलती है, और ये देख सकते हो इसका ओवरऑल लुक वाइज। फिर यहाँ पे हम लोगों को ऑर्नामेंट मिलता है, डासिया की स्किन हमें मिलती है जो कि ऑलरेडी पहले आ चुकी है मे बी, तो ऐसा कुछ यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है। फिर यहाँ पे हम लोगों को एक आउटफिट मिलती है, ये तो काफ़ी बार आ चुकी है, एक बार फिर से हमें और क्लासिक रेट के अंदर यही चीज़ देखने को मिलेगी। और फिर इसके अलावा इसका मास्क हो गया, और फिर यहाँ पे एक देख सकते हो काफ़ी अलग टाइप की यहाँ पे हमें हेडगेयर मिलेगी, एंड देन यहाँ पे अपग्रेडेबल M24 की ही स्किन इन्होंने डाल दी है। मतलब इस बार भी अगर आप सोच रहे थे कि यहाँ पे कुछ और अपग्रेडेबल अलग टाइप की स्किन रहेगी, तो नहीं, इन्होंने फिर से यही डाल दिया, M24 की अपग्रेडेबल स्किन फिर से आने वाली है न्यू क्लासिक रेट के अंदर भी। इन लोगों को कुछ और ऐड करना चाहिए था, एक बार ऐड हो गया ठीक है, हर बार इसी को ऐड करें तो ये तो ठीक नहीं है। तो इसलिए गाइस अगर आप लोगों को M24 की स्किन मिल चुकी है ऑलरेडी, तो अभी फिर से यही चीज़ मिलने वाली है आप लोगों को अपग्रेडेबल वाली। एंड यहाँ पे अगर बात करूँ M4 ग्लेशियर की, तो यहाँ पर अभी आप लोगों को जो M4 ग्लेशियर है वो नहीं देखने को मिलेगा कोरिया वर्जन के अंदर, क्योंकि बता दूँ कि जब विंटर का टाइम आता है, मतलब जब यहाँ पर ठंड का टाइम आता है, उस टाइम पर वहाँ पर विंटर थीम करके यहाँ पर हम लोग को एक क्रेट देखने को मिलता है जिसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को यही M4 ग्लेशियर की स्किन देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे अगर आप लोग उस क्रेट को ओपन करते हो और अगर उसमें से आप लोगों को ये ग्लेशियर की स्किन मिल जाती है तभी आपको मिल पाएगी। अब मेरे को लगता नहीं है कि कभी भी इन फ्यूचर जो BGMI के अंदर ऐड होने वाली है M4 ग्लेशियर की स्किन, बस जब यहाँ पे विंटर का टाइम आएगा तभी हमें ये देखने को मिलेगी, वो भी यहाँ पे UC वाले क्रेट से। तो फ्री में तो जिनको भी मिल गई है खुश हो जाओ, और बाकी जिनको नहीं मिली है आप लोग UC लगाने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर विंटर का टाइम आएगा तो ही ये शायद से आएगी, क्योंकि कोरिया वर्जन में यही चीज़ है। सो इतने ही थे गाइस आज के इस वीडियो के अंदर। अगर आप वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको और भी ऐसी अमेजिंग अपडेट्स आगे मिलती रहे। बाकी कुछ डाउट रह गया होगा तो कमेंट्स में अभी भी पूछ सकते हो, और मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।